विषयान् राष्ट्रभोगान् सविष्टान् पश्चाचान्यान् समधिभवान् ज्योतिषाशेन सूक्ष्मान् सर्वान् एतान् पुनरपि शनि स्वात्मैस्तापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगत गुणगण पात्वसो नमः सुरीय अथर्ववेदियों मांडुक उपनिषद के वैतत्व प्रकरण का विचार किया। मैं बोला था कि अंतिम में जो भाष्यकार की जो नमस्कार मानते हैं उसका जो अर्थ जो मैंने पहले एक बार बोला, कल पहले वाला बोल दिया था, आज द्वितीय, ठीक है ना। मतलब अब यहाँ पे आपके पहले ब्रह्म जो ईश्वर को प्रणाम किया, उसके बाद परम्परागत आचार्य को प्रणाम किया। मतलब इस ग्रंथ की प्रणता कौन है? उनका गुरु का भी गुरु हम लोग बोलते हैं, व्यासम सुखम गौरपदम भगवंतम सुखदेव के बाद गौर। आपको लगता है कि काल का तो डिफरेंस है, परंतु ये शरीर के लोग पक्का है, मतलब कितना लंबा समय तक शरीर है इनका, इस विषय में हमारा कुछ नहीं चल सकता। तो यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ा लिखित बोल रहे हैं, एक बार श्लोक को पढ़ते हैं। प्रज्ञा वैशाख वेद शुभित जल निधे वेद नामनो दरस्तम भूताम्यालोकमज्ञानविरत जनन ग्राह घोरे समुद्रे कारुण्या दुग्धधार ममृतमिदं ममरे दुर्लभं भूतहेतो यस्सं पुच्छामि पुच्छं परमं गुरु मम पादपादे नतोऽस्मि। जहाँ कहीं भी जहाँ शब्द आता है मैं कहना कि प्रसिद्धि का देता है, तो जो ऐसा तम पुच्छा भी पुच्छं परम गुरु अमुम पादपादे नतोऽस्मि, उस तो मतलब उस पूज्यों के द्वारा भी जो पूजे जाते हैं, पूज्या भी पूज्य मतलब पूज्यों के द्वारा, गुरु पूज्य है उनके द्वारा भी पूजा किया जाता है जिनको, द्वितीय एक वचन वो कौन है? परमम गुरु अम, उस परम गुरु को, उस परम गुरु को पाद पाते न तो अस्मि अहम न तो अस्मि उनके चरणों को दैट भी होता है, दिस भी होता है, दोनों आदर्श शब्द का द्वितीय एक वचन। तो पाद पाते उनके चरणों में गिर करके मैं प्रणाम करता हूँ, पाद पाते चरणों को गिर के चरण में गिरने के माध्यम से मैं उनको प्रणाम करता हूँ। तो क्या हो गया कि उस जो परम गुरु को मतलब गुरु जी के द्वारा भी जो पुरुषों के द्वारा भी जो पूजा जाता है, इस प्रकार की जो गुरु होता है, मतलब हमारा परम गुरु है परम गुरु अम, मतलब उस परम गुरु को मैं चरणों में लेट करके साष्टांग प्रणाम करता हूँ, साष्टांग प्रणाम करता। तम बोला तो जब तक संबंध तो कौन है? जो जब अब शुरू में आ जाइए, जिसने क्या किया, क्यों उनको प्रणाम करते हैं, प्रणाम करने के लिए तो क्या, जब प्रज्ञा वैशाख वेद शुभित जल निधे, यहाँ पे आ गए प्रज्ञा रूपी अपने, जैसे आप तो जानते हैं समुद्र मंथन, समुद्र मंथन के देवासुर संग्राम और मैनक पर्वत को मंथन दंड बनाकर कर्वासुकी नाथ को रस, तो यहाँ पे भी ऐसा ही वेद नामनो अंतरस्तम जल निधेर, वेद नामनो अंतरस्तम एक जल निधि है, वो जल मतलब समुद्र और उसके जिसका नाम है वेद और उसके बिंदु भी अंदर विद्यमान अंतरस्तम, उसको क्या किया कि प्रज्ञा वैशाख वेद क्षुभित जल निधि अपनी प्रज्ञा रूपी वैशाख दंड मंथन दंड के द्वारा वो क्षुभित जल निधि मतलब अत्यंत उत्ताल जो समुद्र है, वेद में कितना सारी चीज है इन सब कुछ समेट कर तो उसका एक सार निकालना उसको सब मतलब मंथन करना कितना कठिन बात है, परंतु जिसने इन अपनी प्रज्ञा रूपी वैशाख दंड के द्वारा वैशाख का ये मंथन दंड वैशाख वेद क्षुभित जल निधि जो एक अत्यंत क्षुभित समुद्र वो कौन है जिसका नाम है वेद, उसके अंदर विद्यमान वेदनम अंतरस्थम उसके अंदर विद्यमान जो तत्व उसको क्या किया था कि वो क्या वस्तु है, वो ये है
कि अमृतम इदम अमरी दुर्लभ, वेद के नाम में जो यही अन्य होगा उसका कि इदम अमृतम अमरेर दुर्लभ, ये जो अमृत निकाला है आजादवाद की अमृत अमृतत्व, ये जो है देवताओं के द्वारा भी, देवताओं के द्वारा जो अमृत सुलभ था, ये अमृत देवता तक सुलभ नहीं है, अमृतम अमरेर दुर्लभम। अच्छा, परंतु ऐसा क्यों किया, क्यों किया, उसके हेतु को लेकर भूतानी आलोक मग्नानी अविरत जनन ग्राह घोरे समुद्र है ना, क्योंकि देखा समस्त जीव भूतानी आलोक जीवों को देख करके क्या मग्नानी बार बार डूब रहा है कहाँ, जन्म मरण रूपी संसार सागर जहाँ पे वो जन्म मरण रूपी ग्रह बार बार उसको खींच के नीचे लग रहा, जन्म मृत्यु रूपी जो एलिगेटर वो बार बार उसको संसार सागर में खींचता है, इसलिए बताया भूतानी आलोक को मग्नानी अविरत जनन ग्राह घोरे समुद्र है, इस जन्म मृत्यु रूपी जो संसार समुद्र में जो बार बार ये जो है ये नीचे डूब जाता है, कभी डूबता है कभी उठता है कभी डूबता है कभी, इस प्रकार भूतों को देख करके उनको करुणा होती है, भूतानी आलोक ऐसा देख करके अरे सब जीव तो पारमार्थिक मुक्त है, अपने को अपने ऊपर जीवत्व का आरोप करके फिर मैं बंधन में हूँ दुखी होता है, ये देख करके उनके मन में करुणा है, इसलिए बोलते एक बात है कारुण्या करुणा की भाव से कारुण्या करुणा और उसका तब्दित हुआ कारुण्या करुणा की भाव से उद्धार उद्धार किया था, किम इदम अमृतम इदम इस अमृत अमृतत्व को जो क्या अमरे दुर्लभ जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, तो किनके लिए दिया ये भूत हेतु हो, तो दिव्यो भूत संसार सागर में जन्म मृत्यु के चक्र में घूम रहा है, उस जीव को संसार बंधन से भगवंध से छुड़ाने के लिए भगवानी से मुक्त करने के लिए ये अमृतत्व ला के दिया, हेतु का विसर्ग होगा विसर्ग तो है इसलिए तो वहाँ पे देखिए रेफ है हो और आगे यह है ना यह के ऊपर विसर्ग था रेफ हो गया वहाँ पे भूत हेतु जो ऐसा किया जस्तम जो ऐसा किया है जो प्रणमी जिसने ऐसा किया तम उस परम गुरु को हमारा गुरु पूज्य जो पूज्य का भी पूज्य है उसको मैं चरणों में लेट करके प्रणाम करता हूँ, ठीक है ना, ये इसका जो ये मुख्य रूप से समुद्र मंथन जैसा है कल्पना किया, क्योंकि संपूर्ण वेद को मंथन करना इतना आसान नहीं था, संपूर्ण वेद में लगभग 1,00,000 मंत्र है, 80,000 मंत्र कर्मकांड का है, 16,000 मंत्र उपासना के ऊपर है, मात्र 4,000 मंत्र जो है ज्ञान कांड में, मात्र 4,000 मंत्र, और इन संपूर्ण वेद के तात्पर्य परम पुरुषार्थ में है, इसलिए परम पुरुषार्थ को सिद्ध करने के लिए कैसे होगा अपनी प्रज्ञा रूपया वो भी नारायण कृपा से वहाँ पे बद्रीनाथ में बैठ करके जो अनुभव में आया नारायण आज्ञा से तब जाकर के उसने इस कर्म को मतलब आजादवाद को वेद के अभिप्राय है, बद्रीनाथ में बद्री नारायण है आगे देख लो अलग शांति प्रकरण में पहला ही शांति मंत्र में नारायण को प्रणाम करें, पहला जो दो श्लोक है प्रज्ञा नाम सूत्र ताने और जो विश्वात्मा एक हो गया आपका दूसरा में ना श्रद्धा और मालिन्य मिला हुआ है, और ये जो पहला वाला जो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 हाँ ये 7, 7, 7 श्रद्धा छंदे मुझ पर पहला वाला हाँ, और दूसरे में श्रद्धा और मालिन्य मिला हुआ है, मालिनी की मानते मिला हुआ है, क्योंकि वहाँ पे पहला लाइन में अलग है दूसरे तीसरे लाइन में अलग, इस प्रकार भी हो सकता है टिप्पणी का इसके ऊपर लिखे थे, इस प्रकार गाथा में ऐसा होता है अलग अलग लाइन में अलग अलग छंद ऐसा हो सकता है, और जो है अंतिम में जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये जो पहला वाला जो है ये तो आपका मालिनी छंद है जो 8 और 7 इस भाग में विभाजन है, और दूसरा वाला अभी पढ़ा वो 7, 7 से श्रद्धरा छंद है, बाकी सामान्य ग्रंथ पूरा अनुष्टुप छंद में लिखा हुआ है, अनुष्टुप छंद यहाँ पे हम लोग जिसके ऊपर विचार चल रहा था वही तत्व प्रकरण में क्या किया बोला कि जो आगम के द्वारा सिद्ध हुआ क्या जगत पारमार्थिक सत्य वस्तु नहीं है उसी को आप युक्ति के द्वारा भी समझ सकते हैं, है युक्ति के द्वारा भी आप इसको समझ सकते हैं, तो युक्ति के द्वारा समझाते कि वे पहला युक्ति क्या दिए थे कि स्वप्न पहले आपको कोई भी वस्तु समझाना होगा तो हमारे पास जो दृष्टांत होता है वो जो दूसरे को समझ में आता है इस प्रकार के दृष्टांत देना पड़ता है, तो सभी वादी का सम्मत है कि सापनिक वस्तु मिथ्या होता है, सापनिक वस्तु मिथ्या क्यों होता है तो उसके लिए हेतु दिया था कि अनुचित देश
अनुचित काल संवादी प्रमाण के अभाव और कोई भी मित्र हमको हमारे साथ मिल करके बोलता भी नहीं, सम्मति मित्र का संग जिसको देखा उसकी सम्मति सम्मति भी नहीं है। तो इस प्रकार चार कारण से पहले बोला। और यही चीज जो है कि जागृत में भी जागृत वस्तु भी मिथ्या है, क्योंकि उचित देश उचित काल दृश्यत्व रूप मुख्य हेतु माना दृश्यत्व और काल्पनिक आहार का क्या बोला था ग्राह्य प्रसादत्व ये भाव होने के कारण। और दृश्यत्व हेतु के क्यों दिखाई बोल रहे हैं, क्योंकि मैं जो वस्तु जहाँ पे देखना संभव नहीं है वहाँ पे अगर दिखाई दे उसी पर फिर बाद में अपने आप निश्चित कर दें उसी पर मिथ्या बोलते हैं शास्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं ये सारा संसार केवल मात्र शुद्ध निर्विशेष व्यापक तत्व से घेरा हुआ है, तो हमें किस रूप में दिखाई दे रहा है नाम रूप आत्मक रूप में दिखाई दे रहा है। मतलब जिस प्रकार वहाँ पे पड़ा हुआ है बालू पंथ हमें किस रूप में दिखाई दे रहा है पानी रूप में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो हमको क्या कर जब आपको कोई बताता है कि वहाँ पे पानी नहीं है तब हमारे साथ संबंधित तृष्णा मिलती है, फिर हम कुछ देर जाके देख भी लेते हैं। इसी प्रकार की जागतिक वस्तु में पारमार्थिक सत्यत्व मान करके उससे हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं, और जब कोई महापुरुष बताते हैं और अपने जीवन को अनुभव प्रसाद मिल जाता है कि अपने जीवन में बचपन से लेकर के जिंदगी के अंतिम तक इतना सामान हमने इकट्ठा किया कमरे में, चाहे स्त्री पुत्र धन जन परिवार कुछ भी, वो कोई भी मेरे को सुखता है कुर्बानी, मैं दुखी हो जाता हूँ अपने अनुभव में भी आ जाता हूँ। इसलिए इस संसार में पारमार्थिक सत्य व्यक्ति अपने आप निश्चय करते हैं। अब इस हेतु के साथ एक एडिशनल जरूरी है कि जैसा जागृत में ऐसे स्वप्न में मतलब दृश्य हेतु दोनों जगह पर समान है, एक एडिशनल हेतु क्या दिए थे आद्यंतवत्वात् जो आदि अंत वाला होता है वो भी पारमार्थिक वस्तु नहीं है। हम सत उसको बोलते हैं जो तीनों काल में बाधित नहीं होता, और असत अथवा मिथ्या उसको बोलते हैं जो क्या होता है कि बार बार व्यभिचार करता है। जो बार बार व्यभिचार करता है, इस श्लोक को एक साथ पढ़ेंगे एक बार, छह नंबर श्लोक। आदावन्ते च चरन्नास्ति वर्तमाने वितत्तता वितत्तयैव शर्षा सन्तो वितथाइव लक्षिताः। जो वस्तु मतलब हमारे देखने से पहले भी नहीं था और यथार्थ ज्ञान होने पर भी वो वस्तु नहीं दिखाई देता है, इस प्रकार उसको होता आदि अंत वाला। आधा बनते चजर नास्ति जो आदि में भी नहीं है अंत में भी नहीं है, जो पानी में वहाँ पे दिखाई दे रहा था मुझे, मैं जब तक नहीं देखा पानी की भावना नहीं किया तब तक वहाँ पे पानी नहीं है, और जब मुझे अधिष्ठान की ज्ञान हो जाता है तब भी वहाँ पे पानी नहीं आता, हमें बालू भी निश्चय रहता है। इसी प्रकार से जो आदि में नहीं है अंत में भी नहीं है, बीच में कुछ देर के लिए प्रतीति होता है, वो समझना चाहिए वो वस्तु वहाँ पे नहीं है। आधा बनते चजर नास्ति वर्तमाने पिता दिखाई देने पर भी वो जो है नहीं वहाँ पर समझना चाहिए, क्यों हमें तो सत्य रूप में दिखाई दे रहा है, घट है पट है मठ है सब कुछ है अगर प्रतीति होता है वो तो ठीक बोला, वो मिथ्या होते हुए भी उसका स्वभाव ही ऐसा सत्य जैसे प्रतीति होना, इस वस्तु का स्वभाव ही ऐसा कल्पित वस्तु का स्वभाव ऐसा है कि मिथ्या होते हुए भी सत्य जैसे प्रतीति वितथेन सदृश मिथ्या के समान होते हुए भी अवितथा की विलक्षित अवितथा मतलब सत्य जैसे दिखाई देता है। इसके ऊपर भाष्य कलम पढ़ लिए पूरा टीका को देखिए टीका भाष्य इस पंक्ति को पढ़ लिए, यदि जागृत दृश्या भावा मिथ्या तेन प्रसिद्ध स्वप्नादि भी समत्वात मिथ्या कथम थरी तेषाम घट सन पट सन इति अमृषत्न प्रतीति इति आशंका। यदि जागृत में दिखाई दे रहा जितना भाव वस्तु है, यदि जागृत दृश्या भाव जागृत में दिखाई दे रहा है जो विद्यमान वस्तु है मिथ्यत्वेन मिथ्या होने के कारण, और क्या बोला प्रसिद्ध स्वप्न आदि भी समत्वात्, क्योंकि प्रसिद्ध जो स्वप्न आदि की वस्तु मिथ्या होता है इसके समान होने के कारण जागृत वस्तु भी मिथ्या जागृत दृश्या भावा मिथ्या यहाँ पे अन्याय होगा, फिर ये मिथ्या ही होगा तब कथम तरही तब कैसे तेषाम जागृत भावानाम घट सन पट सन घट है पट है मठ है इस प्रकार से हम कैसे बोलते हैं, अब विद्यमान को सच ऐसा दिखाई पड़ता है इति अमृषत्वेन मतलब सत्य के रूप में मिथ्या रूप में प्रतीति सत्य रूप में प्रतीति किम होता है इति आशंका। इसके पीछे राज क्या है, जो अधिष्ठान है वो पारमार्थिक सत्य वस्तु, जो अधिष्ठान है वो पारमार्थिक सत्य वस्तु है। और जब कभी भी आप जो है किसी के ऊपर कोई वस्तु का आरोप करेंगे तो अनन्य अध्यास होता है ना, आरोपित वस्तु का अधिष्ठान में स्वरूपाध्यास और तादात्म अध्यास दोनों होते हैं, पर
स्वरूपत्य सत्तात्म अर्थ है, परंतु अधिष्ठान का आरोपित वस्तु के साथ तादात्म अभ्यास होता है। ये तादात्म अभ्यास होने के कारण क्या होता है, वो अधिष्ठान के अंदर जो धर्म है, क्या धर्म है वहाँ पे अधिष्ठान में, एक है प्रत्यक्त और चेतनत्व सत्यत्व, प्रत्यक्त चेतनत्व सत्यत्व, ये तीन मतलब सब अंदर है, और मैं प्रत्यक्त और वहाँ पे क्या चेतनता और ये सत्य, ये धर्म अधिष्ठान में है। तो अधिष्ठान का धर्म कहाँ दिखाई देगा, अविद वस्तु में दिखाई देगा, इसीलिए उजागृत वस्तु में हमको सत्य रूप में प्रतीत है। अधिष्ठान का तीन धर्म एक हो गया, उसमें जो है मैंपन, मैं प्रत्यक्त बोलते हैं इसको, प्रत्यक्त आपने बोले ना, प्रत्यक्त ये प्रत्यक्त धर्म बैठो मैंपन एक, दूसरा क्या है मैं चेतन हूँ, है ना, मैं चेतन हूँ, और तीसरा क्या है सत्य मैं हूँ, मैं चेतन हूँ, हूँ मतलब सत्यपन, सत्य हमेशा रहने वाला ये जाता है, यह अधिष्ठान सत्य है, अधिष्ठान चेतन है और अधिष्ठान मैं है, इसीलिए हमेशा जो इस अधिष्ठान को बड़े ये वस्तु दिखाई दे रहा है उसमें क्या करते हैं हम, मैं शुद्ध शरीर मैं हो गया, शरीर को भी चेतन मान लिया, और क्या हो गया ये मतलब ये हमेशा रहे, ये भावना विद्यमान है, ये बात ही भावना विद्यमान है आपको, इसीलिए हमको क्या होता है कि अधिष्ठान के ऊपर आरोपित वस्तु सत्य रूप में प्रतीति होते हैं, क्योंकि अधिष्ठान सत्य, क्योंकि अधिष्ठान सत्य, ठीक है ना। और क्या होता है कि लगता है कि थोड़ा सा ना ये रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट, थोड़ा पड़ता है इधर देखने थोड़ा, हाँ तो ये जो है यहाँ पे, इसलिए तीन चीज अधिष्ठान में है, और आरोपित वस्तु में क्या है नाम रूप और अर्थ क्रिया करता, आरोपित वस्तु में है नाम रूप और अर्थ क्रिया करता, और अधिष्ठान में क्या है सत्य चित और आनंद रूप, ठीक है ना। तो नाम रूप अर्थ क्रिया करता, नाम रूप और अर्थ सब प्रयोजनता, अभी अगला श्लोक में आएगा, ये अगला श्लोक इसको लेकर के विचार करेंगे। तो ये नाम जो आरोपित वस्तु का नाम रूप और अर्थ क्रिया करता सब प्रयोजनता सिद्ध होता है, और अधिष्ठान में है क्या है आपका सचित और आनंद। तो क्या हो गया सचित और आनंद आरोपित वस्तु में जाएगा, आरोपित का धर्म अधिष्ठान में आएगा, फल तो क्या हो जाता है हम अपने को नाम रूप वाला समझते हैं, हम अपने को नाम रूप और हमसे मैं नहीं रहूँगा तो संसार कैसे चलेगा, हम ही पूरा संसार की जिम्मेदारी सर पर ठोक रखा है थोप रखा है। ये जो है यह नाम रूप और अर्थ क्रियाकारिता, ये नाम रूप का है, यह क्या हुआ आत्मा के ऊपर आरोपित होगा, जैसे मैं करता हूँ, और आत्मा की जो सच्चिदानंद जिसमें वस्तु है, वस्तु हमको स्फुरित होता है और वस्तु आनंद रूप भी लगता है, वो किसका अधिष्ठान में। तो यहाँ पे ये जो चीज हुआ, इसलिए बोलते हैं कि कैसे हम उसको सत सत क्यों बोलते हैं, सत इसलिए बोलते हैं सन भाग जो है सत भाग जो अधिष्ठान की है, और घट भाग जो है जो ऊपर की प्रत्यारोपित वस्तु है, इसलिए बोलते हैं हम इसलिए एक साथ मिला करके हम बोलते हैं, इसलिए तही तेषाम घट सन पट सन इति अमृषात्न सत्य रूप में प्रतीति कैसे हो सकती थी आशंका, तब बोलते हैं विदथे सदृशा संत अभिदथा इव लक्षिता, वो सत्य जैसा लक्षित होता है, वास्तविक नहीं है, सत्य जैसा लक्षित होता है। आगे फिर टीका में प्रकृति जागृत मिथ्यात्व हेत्वांतर परत्वम श्लोक सुपर्णश्यति, प्रकृति मतलब जिसको लेकर के विचार किया जा रहा है कि यहाँ पे पहली प्रतिज्ञा क्या किया इसका शुरू में, हमारे सामने जागृतिक वस्तु दिखाई दे रहा है वो मिथ्या है, इसको आप युक्ति के द्वारा भी समझ सकते हैं, उसी के लिए वैतत्व प्रकरण शुरू हुआ, ये हो गया प्रकृति। इसलिए बोलते हैं प्रकृति मतलब जो हमने प्रतिज्ञा किया कि जागृतिक वस्तु की मिथ्यात्व तो युक्ति के द्वारा भी आप समझ सकते हैं, इसलिए बोलते हैं प्रकृति जागृत मिथ्यात्व, जागृत वस्तु मिथ्या है, हेत्वांतर परत्वम एक दूसरा हेतु का बोधक श्लोक श्लोक के द्वारा उपन्यस्यति, वहाँ पे उपन्यास करते हैं रखते हैं कौन हमारे भगवान भास्कर, उसका व्याख्या इतश्च वैतत्वम जागृत दृश्यनाम, इस कारण से भी जागृत में दिखाई दे रहे पदार्थ मिथ्या है, क्यों भेदानाम आद्यंतयोर, मतलब भेद जो है आदि और अंत में सप्तमी द्विवचन अभाव, उसका अभाव होने का पहले भी नहीं था बाद में भी रहेगा, भाष्य में तस्य वैतत्वम जागृत दृश्यानाम, इस कारण से भी जागृत में दिखाई दे रहा जो पदार्थ है वो मिथ्या है, भेदाना मतलब पदार्थानाम, क्यों आद्यंतयोर अभाव, आदि और अंत में अभाव होने के कारण, आदि और अंत में अभाव होने के कारण, आदावंते च नास्ति, आदि और अंत में वो वस्तु वहाँ पे नहीं है, जैसे मृगतृष्णिक आदि तन मध्य अपि नास्ति इति निश्चितम,
एक थोड़ा सा पुस्तक को गहरे से पढ़ने से एक चीज़ दिखाई पड़ता है। योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी जगत मिथ्यात्व को सिद्ध करने के लिए अधिकतर स्वप्न दृष्टांत का अवलंबन करते हैं। भगवान भाष्यकार की पंक्ति में हम लोग गए कि मृग तृष्णिका रज्जु सर्पादि को क्यों योग वशिष्ठ काल में हमको लगता है कि कुछ बाधि ऐसा आया हुआ है जो स्वप्न को सत्य मानता है। अगला बोल अपूर्व स्थानीय धर्म जो स्वप्न को सत्य मानता है तब तक उनके साथ मतलब शास्त्रार्थ करने के लिए क्योंकि आपको उभयपदी संबंध दृष्टांत देना पड़े तब आप क्या हैं तब वो मृग तृष्णिकादी दृष्टांत देते हैं। भगवान भाष्यकार की जगत मिथ्यात्व को समझाने के लिए जो दृष्टि को प्रयोग करते हैं जो दृष्टि मतलब भोज बालाचार्य तो उससे भी पहले हैं व्यासदेव जी सुखदेव जी का समकालिक होंगे तो हमको जो योग वशिष्ठ में जो क्या दिखाई पड़ता है कि मिथ्यात्व को समझाने के लिए अधिकतर व्यवहार और स्वप्न आदि को दृष्टांत को देखकर समझाते हैं। भगवान भाष्यकार के काल में ये दिखाई पड़ते हैं कि भाष्यकार ये जो चार भ्रांति स्तर को लेकर के दृष्टि को यहाँ पे स्वप्न नहीं बोल रहे हैं मृग तृष्णिका आदि तन मंथी अपनी नास्त जो मृग तृष्णिका होता है जो आपको जल दिखाई पड़ता है सामने वो बीच में भी नहीं है वहाँ पे केवल प्रतीति मात्र है ना नास्ति इति निश्चित हम लोग ऐसा लोक में निश्चय किया गया है। देखो टीकाकार बोलते हैं विमतम मिथ्या आदिमत्वात अंतमत्वात स्वप्नादिवत इति अर्थ ठीक है ना कि क्या बोला कि विवादास्पद ये जगत अथवा जागृत अवस्था ये सत्य नहीं है मिथ्या क्योंकि आदिमान होने के कारण आदिमत्वात आदि वाला शादी है और अंतर्जीवन अंत वाला भी है शादी भी है अंत भी है उसका इसलिए जैसा स्वप्न स्वप्नादिवत इति अर्थ ये इसका विपरीत अर्थ ये अनुमान यहाँ पे इस श्लोक के द्वारा बोल पता चाहते हो करना चाहते हैं विवादास्पद हाँ भ्रांति स्थान है रज्जु स्थल पर मृग तृष्णिका शुक्ति रजत स्थान तो विमतम मिथ्या आदिमत्व विवादास्पद ये जगत अथवा जागृत अवस्था ये सत्य नहीं है क्योंकि आदि वाला होने के कारण और अंतवान होने के कारण भी आदिमान और अंतवान होने के कारण स्वप्न निवत जैसे स्वप्निक वस्तु होती है शुरू होता है थोड़ी देर में समाप्त हो जाता है कई काल तक को देख रहा देखा दो तीन मिनट लगता है कितना साल का स्वप्न देख लिया मैं ये आदि और अंत वाला होने के कारण जागृत वस्तु मिलता है। अब देखिए ये अनुमान में जो है ना कि स्वप्नों में आदिमत्व और अंतमत्व बैठा हुआ है आपको अनुमान सही है कि नहीं है देखने के लिए क्या काम करना पड़ेगा दृष्टांत में आपको हेतु बैठता कि नहीं बैठता वो देखना पड़ेगा और साध्य भी है कि नहीं वो देखना पड़ेगा दृष्टांत में दोनों होना चाहिए पक्ष में हेतु है तो साध्य सिद्ध हो जाएगा। यहाँ पे आपका हेतु क्या दिया आदिमत्ता अंतवत्ता तो स्वप्न आदि वाला भी है अंत वाला भी है इसलिए स्वप्न क्या मिथ्या मानते हैं तो आपका दृष्टांत में हेतु और साध्य दोनों बैठ गया। अब विवादास्पति जागृत अवस्था अथवा जगत वो क्या है आदि अंत वाला है मान लीजिए पूरा जगत का भी लेंगे तो भी तो सिर्फ जगत हमारे इसमें उपनिषद में जगत की सृष्टि उत्पत्ति के बारे में बताया और उसका प्रलय भी होता है जो आदि अंत वाला है और हमारी व्यवहारिक जगत प्रत्येक इंडिविजुअल सेल्फ का भी जो हमारा व्यवहार होता है शुरू अंत वाला होता है इसलिए सारा ही मिथ्या इसलिए बीमा तो क्या हो जाएगा आपका पक्ष क्या हो गया संदिग्ध साधमान पक्ष जहाँ पे है कि नहीं है इसको लेकर के विचार हो गया तो जागृत अवस्था भी कि हेतु बैठ रहा है क्या हेतु बैठ रहा है आदिमान और अंतवान आदिमान और अंतवान होने के कारण जागृत अवस्था में मिथ्या होगा जैसे सापनिक वस्तु मिथ्या होगा। अब जो है अपने आप ही उक्त अनुमान दृढ़िम ने इस अनुमान को दृढ़ करने के लिए अनुमान हमारा सही है कि नहीं है क्या होगा आपको व्याप्ति दिखाना पड़ेगा व्याप्ति व्याप्ति मतलब सहचर्य नियम व्याप्ति जो जिसको छोड़ करके नहीं रह सकता अग्नि धुआं को मतलब धुआं अग्नि को छोड़ करके नहीं रह सकता जत्र जत्र धुंध तत्र तत्र बनने ये तो एक प्रसिद्ध दृष्टांत है। एक और भी मैंने कभी सोचा था कि कैसे इसको दूसरा कोई दृष्टांत प्रसिद्ध दृष्टांत यहाँ पे है बार बार तो बंदीमान धुआं अब जहाँ कहीं भी आपको हरियाली दिखाई दे जहाँ कहीं भी आपको सुंदर हरियाली दिखाई दे अब क्या निर्णय करेंगे जरूर यहाँ पे अच्छा पानी क्यों बाहर में आकर के क्या देखा कि उस भाग के ऊंचे ऊंचे में भी गांव बसे हुए हैं इससे क्या लगता है कोई ऋषि अथवा उनके परिवार जहाँ पे उनको पानी हरियाली दिखाई दिया उनको समझ में आया कि हमें पानी चाहिए जीने के लिए और पानी उनसे क्या करेगा खेती कर पाएगा तो जीविका चल जाएगी तो जीविका चल जाएगी तो इसलिए यहाँ पे एक ये व्याप्ति भी है जहाँ जहाँ हरियाली वहाँ वहाँ पानी हरियाली को देख करके पानी का अनुमान करते हैं पानी आपको चिंता नहीं दिखाई देता दूर से हरियाली दिखाई पड़ता है दूर से धुआं दिखाई पड़ता है वो धुआं देख करके आप अग्नि का अनुमान करते हैं
इसी प्रकार से यहाँ भी आदिमत्व वाला अपना जीवन में हर एक वस्तु आदि अंतमान होता है, इस कारण से भी इसमें पारमार्थिक शब्द पारमार्थिक शब्द नहीं। इसको बोलते हैं कि उक्त अनुमान दृढ़ इस अनुमान को दृढ़ करने के लिए व्याप्ति कथयति, व्याप्ति को दिखाते हैं। व्याप्ति क्या दिखाते हैं, जो व्याप्ति है देखो भाष्य में, आदो अंते च नास्ति वस्तु मृग तृष्णिकादि तन्मध्ये अपि नास्ति इति निश्चित, मतलब यत्र यत्र आद्यंतिवत् तन्मध्य तत् नास्ति, जब आद्यंतिवत् तत् नास्ति, जो आदि अंत वाला होता है वो पारमार्थिक नहीं है। ये हो गया व्याप्ति, जो आदि अंत वाला होगा वो पारमार्थिक नहीं है, मतलब वो सत्य नहीं है, वो सत्य जो आदि अंत वाला मिथ्यत्व ही हमारे पास हेतु है, इसलिए बताया जो आदि अंत वाला होता है वो मिथ्या होते हैं, ये व्याप्ति हो। इस वक्त अनुमानित दृढ़ व्याप्ति कथयति जब आदिमत अंतवत् च, देखिए हम अपने आप व्याप्ति को टीकाकर लिख के दिखा रहे हैं, जब आदिमत अंतवत् च तन मिथ्या, ये व्याप्ति हो गया, जो आदि और अंत वाला होता है वो मिथ्या होता है। अधिष्ठान आदि अंत वाला नहीं है, अधिष्ठान आदि अंत वाला नहीं है, तभी तो सत लोग तब बोलते, तभी तो सत बोलेंगे। त्रिकाल अबाधत्म, जिसमें काल परिच्छिन्नता देश परिच्छिन्नता वस्तु परिच्छिन्नता नहीं है, काल परिच्छिन्नता देश परिच्छिन्न एक ही एक प्रकार का भी परिच्छिन्नता आ जाए तो अभी वो आदि अंत वाला हो गया। तीन प्रकार से आदि अंत वाला होता है, काल की दृष्टि से आदि अंत होता है, वस्तु के दृष्टि प्रकार, ये देखिए ये यहाँ से शुरू हुआ यहाँ से समाप्त हो गया, ये यहाँ तक ये आदि और अंत, फिर ये यहाँ से शुरू है यहाँ पे समाप्त हो गया, ये वस्तु का तरह, और फिर ये जहाँ पे है टेबल है इसका ये यहाँ पे समाप्त हो गया, इसके बाद ये है ये टेबल यहाँ पे नीचे से शुरू हुआ तो यहाँ पे अंत हुआ, फिर ये यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक अंत हुआ, ये वस्तु परिच्छिन्न काल परिच्छिन्न देश परिच्छिन्न था, ये टेबल इस देश में है इस देश में नहीं, देश परिच्छिन्न, ये तीन प्रकार से परिच्छिन्नित हो सकते हैं वस्तु, आदि अंतमान हो सकता है, तीनों प्रकार से आदि अंत तो नहीं है जिस अधिष्ठान को सकता है, तीनों नहीं है वहाँ पे, क्योंकि आत्मा सभी वस्तु में है, जहाँ वस्तु नहीं है वहाँ भी अपाद वस्तु विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम् देवी, और आत्मा त्रिकाल अबाधत्म तीन काल में बाधित, काल परिच्छिन्नता भी नहीं है और देश परिच्छिन्नता भी नहीं है, एक देश में है दूसरा देश में नहीं है, ये बात नहीं, तब वो देश की प्रतीति नहीं होती, और बस आत्मा को भी मानता है अधिष्ठान ही तो आत्मा है, और कौन आत्मा है, आत्मा ही तो अधिष्ठान, अधिष्ठान कोई भिन्न वस्तु नहीं है, आप स्वयं अधिष्ठान है। और देखिए ये देश परिच्छिन्नता वस्तु परिच्छिन्नता, वस्तु परिच्छिन्नता मतलब इस वस्तु में आत्मा है अथवा सच्चिदानंद है, इस वस्तु में ऐसा नहीं कह सकता है, यदि ये सच्चिदानंद यहाँ पे नहीं होता तब आपकी प्रतीति नहीं होती। रज्जु में सब तो ब्रह्म, रज्जु तो अधिष्ठान है, रज्जु भी तो मिथ्या है। व्यवहारिक जब हम दृष्टांतों को समझाएंगे, ध्यान रखना हमेशा दृष्टांत और दृष्टांत में कुछ भाग लेना है कुछ भाग छोड़ना है, पूरा पूरा लेंगे तो कोई दृष्टांत तो ही नहीं बन पाएगा, दृष्टांत दृष्टांत बन ही नहीं पाएगा, इसलिए हमारे लिए क्या होता है कि वहाँ पे जिस प्रकार अधिष्ठान बालू, उस बालू भी तो सृष्टि के प्रति प्रकृति के अंतर्पात है, इसीलिए यहाँ तक पहुँचने के बाद आप यहाँ तक पहुँच गए, पहुँचने के बाद श्रुति अपने आप बोलती है, जब तुम मूल प्रकृति तक पहुँच गए अब लगेगा प्रकृति सत्य है, परंतु उसके भी कोई भी एक कार्य है, तो इसका भी कोई कारण है, अन्य न सोम शुंगे न तेज मूलम अन्निच नृत्य अपमूलम अन्निच, हे प्रियदर्शन ये जो प्रकृति रूपी कार्य आपको दिखाई पड़ता है, प्रकृति भी जब कार्य है, पृथ्वी भी जब कार्य है, तो जो इसका कोई कारण हो वो कारण को ढूंढो, और कब क्या है कि कार्य कभी भी अपना कारण को छोड़ करके नहीं रह सकते, वो इसी के अंदर ही अनुसूत है, जब आप धीरे धीरे जल तत्व में पहुँचे, अब जल तत्व में पहुँचे, फिर जल भी एक कार्य है, फिर जल भी क्या कारण होगा, तब आप तेज तत्व में पहुँचे, इसी के अंदर मनुष्य, फिर तेज का भी कोई कारण, इस प्रकार आकाश तक पहुँचने के बाद आप आकाश का भी कोई कारण होगा, तो आपने सब तत्व में पहुँचे, सन मूला सोम इमा सर्व प्रजा सत आयतन सत प्रतिष्ठा, ऐसा करके हम उसी के होते, तो सत किसका, फिर सत के पीछे कौन है, पुरुषात्मा परम किंचित साकाष्ठा सब, तब अनावस्था दोष आ जाएगा, यदि उसके पीछे भी कारण नहीं रखो छुपी सुधी इसमें इसके पीछे भी कोई याद कारण नहीं ढूंढो, दैट अनकॉस्ट कॉज, जिसके पीछे और कोई कारण नहीं है, परंतु सभी के कारण के रूप में प्रकृति होती है, इसीलिए आप बोल रहे हैं कि देखो ये अनुमान को जो आदि अंत वाला होता है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, तब कभी भी मैं आदि अंत वाला, शरीर आदि अंत वाला है, मैं आदि अंत वाला है, केवल सूक्ष्म शरीर के दृष्टि से भी देखेंगे, सूक्ष्म शरीर के दृष्टि से देखें, बस तू थोड़े शरीर छोड़ दो, आत्मा को छोड़ दो, सूक्ष्म शरीर से भी दृष्टि के अनादिकाल से एक ही सूक्ष्म शरीर चलता है,
अनादिकाल से एक ही सूक्ष्म शरीर चलता है, ठीक है ना। केवल मात्र भूत सूक्ष्म की परिवर्तन होने के कारण वो एक नया नया शरीर प्राप्त कर लेता है। भूत सूक्ष्म होता है कि एक पंचीकृत पंचमहाभूत का वो सूक्ष्मतम अंश जो हम इस शरीर से जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म संस्कार को वहन करके ले जाता है अगला शरीर उत्पन्न करने के लिए। पंचभूत तो हर जगह पर उपलब्ध है, परंतु प्रत्येक जीव का जो इंडिविजुअल संस्कार है वो हर जगह पर उपलब्ध नहीं है। वो कहाँ होगा? जहाँ पे आपका कर्म का भोग होगा वहाँ पे वो संस्कार उद्भूत है। इसीलिए उसको कैरी करके ले जाने के लिए भूत सूक्ष्म ही कॉन्सेप्ट आया। एक सूक्ष्म तन्मात्र अथवा सूक्ष्म शरीर अथवा सूक्ष्म और भूत सूक्ष्म और सूक्ष्म भूत ये एक नहीं है। भूत सूक्ष्म वो होता है, सूक्ष्म भूत होता है तन्मात्र को हम बोलते हैं, परंतु भूत सूक्ष्म वो होता है कि शरीर में जो भी हम कर्म कर रहे हैं उस कर्म करते समय उसका जो संस्कार है वो आप बोलेंगे चित्त भूमि में आता है, ठीक है चित्त भूमि में आया। अब क्या है, जब आप इस शरीर आठ पुड़िया को लेकर के हम एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं, पुड़ियाष्टक एक हो गया कि अविद्या, ठीक है ना। अब एक ज्ञान पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय पंच प्राण और अंतकरण चतुष्टयी का चार पुड़िया सूक्ष्म शरीर का। फिर अविद्या काम कर्म, अविद्या समुदाय वासना और कर्म और भूत सूक्ष्म, ये आठ पुड़िया के साथ हम जाते हैं। ये भूत But what about our sanskar? It remains in what form? It is also in the subtle form. हाँ, अब क्या है, जहाँ पे जा करके हमको दूसरा शरीर प्राप्त होगा वहाँ चाहे वो ब्रह्मलोक में हो चाहे पाताल में हो, वो पांचभौतिक है, वो पांचभौतिक है। अब उस पांचभौतिक उस लोक के अनुकूल पांचभौतिक शरीर उत्पन्न करने के लिए जो संस्कार हमको यहाँ पे चाहिए वो हम यहाँ से कैरी करके ले जाते हैं। वहाँ पे मतलब देखिए कुत्ता बिल्ली का भोग एक प्रकार उनके शरीर में भोग है और नारकीय भोग भी है और स्वर्गवादी लोक में भी भोग है। तो वहाँ पे भोग करने के लिए जिस प्रकार की कर्म हो तो आपके पास है, पुण्य कर्म है, पुण्य तो पाप कर्म है, परंतु उस प्रकार के शरीर प्राप्त करने के लिए और क्यों कि बंदर देखिए एक ही जगह पर हमारे सूक्ष्म शरीर में अनादिकाल से 84 लाख योनियों का संस्कार है, परंतु अब यदि हमको इस समय अगला शरीर में एक घोड़ा के शरीर प्राप्त हो तब वो घोड़ा के शरीर में जिस प्रकार की मतलब चलना फिरना वो उसमें स्पेशलिस्ट, तो क्या होगा भगवान क्या करते हैं अंतिम समय वो वृत्ति मन में लाएगा जो अगला शरीर क्या प्राप्त हो कर्म के अनुसार, और उस वृत्ति ला करके वो जो क्योंकि क्यों क्यों लाएगा वो वृत्ति हमको वो शरीर भोगना है, तो उस शरीर में भोगने के लिए जिस प्रकार के संस्कार को जाना है वो उद्भूत करना है, वो भूत सूक्ष्म परिवर्तित होकर के ले जाता है। हमेशा ध्यान रखना सूक्ष्म शरीर कभी अकेला नहीं रह सकता, स्थूल के द्वारा परिवेष्टित होकर ही रहता है। इस प्रकार आपका इस शरीर में जो सूक्ष्म शरीर है वो स्थूल के द्वारा परिवेष्टित होकर ही है। इस प्रकार सूक्ष्म शरीर जब एक लोक से दूसरा लोक जाएगा उस समय भी कुछ भूत मतलब स्थूल भूत के द्वारा परिवेष्टित होते हुए जाता है। टू प्रोटेक्ट दैट सूक्ष्म शरीर, वो दो काम करता है, एक तो हमारे सूक्ष्म शरीर को प्रोटेक्ट करता है और अगले शरीर में भूत पांच हर जगह पे भूत पंचभूत उपलब्ध है, परंतु पंचभूत उपलब्धि होने पर भी इस शरीर को जिस प्रकार की भोग भोगना पड़ेगा, यहाँ पे मनुष्य का भी है इसी लोक में कितना जोनिया है, परंतु जिस शरीर में हमको जाऊँगा उस शरीर में जा करके जैसा संस्कार उद्भूत होना है वो संस्कार को जो कैरी करके ले जाता है वो हो गया भूत सूक्ष्म। ब्रह्मसूत्र में इसको लेकर के बेचारा कठोर परिश्रम में सबसे पहले यमराज ने जी का कैसे लोकांतर में जा करके लोग फल भोगते हैं, आपका पूर्व के तो कर्म है, परंतु देखिए कि हम हमारे सांस प्रश्वास की प्रक्रिया एक प्रकार की है, घोड़ा की एक प्रकार की है, सांप की दूसरा है। प्रत्येक जीवों का जो ये जो चलन उठना बैठना खाना पीना सब अलग अलग है, खाद्य द्रव्य भी अलग है, खाद्य वस्तु भी अलग है, खाने की प्रक्रिया भी अलग है, ग्रहण करने वाला अपन वही है, परंतु जो तिरजक चलते हैं जो खड़ा रहते खड़ा चलता है जो खड़ा रहता है ये सभी के जो क्रिया भिन्नता जीने के लिए प्रक्रिया हो तो अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे केवल मत इसको लेकर के जब आदिमत अंतवर्त चाहे उसी कैटेगरी का भी हो परंतु आदि और अंतमत होने के कारण आदि वाला और अंतमान होने के कारण वो क्या हो जाएगा वो मिथ्या वस्तु है। बोलते जब आदिमत अंतवर्त तन मिथ्या जथा मृग तृष्ण का आदि इति अंत जैसा मृग तृष्ण का आदि। अब जो है ये व्याप्ति वाला मतलब आपका मन में पहले बैठ बैठ गया व्याप्ति क्या बैठ गया जहाँ धुआं है वहाँ बन्नी है
ये व्यक्ति बैठ गया, आप पहाड़ में आपने उस भगवान को दिखाई दे रहा, इसलिए बोलता है व्यक्तिमत साधनस्य, व्यक्ति वाला जो हेतु, साधन मतलब हेतु, वो जब पक्ष में दिखाई देते हैं, पक्ष को लेकर के विवाद नहीं है, पक्ष को लेकर के पर्वत को लेकर के विवाद नहीं है, पर्वत को लेकर के विवाद नहीं है, जाग मतलब जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था को लेकर के विवाद नहीं है, विवाद किस में है, ये सत्यत्व है कि मिथ्या, इसको लेकर के विवाद, पक्ष को लेकर के विवाद नहीं है, आत्मा सत्य है कि मिथ्या है, ये आत्मा के सापेक्ष में जगत मिथ्या है, मैं बोला मिथ्यात्व आदि स्वप्न शब्द हमेशा प्रयोग हुआ, जागृत के सापेक्ष में स्वप्न मिथ्या है और आत्मा के सापेक्ष में जागृत मिथ्या है। ये व्यक्तिमत साधनस्य, व्यक्ति वाला जो साधन मतलब हेतु, व्यक्ति वाला जो हेतु मतलब जिस प्रकार धुआं के साथ व्यक्ति है अग्नि का, इस प्रकार व्यक्ति वाला हेतु को देख करके मन में दोनों आया, आप सहचर्च नियम भी आया, धुआं दिखाई दिया, धुआं देखे देखने से जहाँ मैंने धुआं दिखाई दिया वहाँ मुझे अग्नि प्राप्त हुई, तो एक इसी प्रकार से जहाँ कहीं भी दृश्यत्व होगा वो मिथ्या होगा, जो आदि अंत वाला होगा, आत्मा मन में कोई वासना उठा उस वस्तु आपके सामने आया, पर तुरंत यदि हम सोचते अरे ये वस्तु पहले भी नहीं था अब मेरे पास और थोड़े दिन बाद ये नहीं रहेगा, ये कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं है, इसमें मन को फंसाना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से ये व्यक्ति के द्वारा इस बोलता है व्यक्तिमत साधनस्य पक्ष धर्मता उपन्यासेन, व्यक्ति वाला जो हेतु है उस हेतु पक्ष में, पक्ष धर्म मतलब पक्ष में हेतु बैठा हुआ है, पक्ष हो गया पहाड़ में धुआं दिखाई दे रहा है, इसी प्रकार जागृत में दृश्यत्व हेतु बैठा हुआ है, अद्यंत बंत बैठा हुआ है, पक्ष धर्मता दिखाई दे रहा है, हेतु को पक्ष में बैठने से होता है पक्ष धर्मता, इस प्रकार बाहर में धुआं दिखाई देना, इसी प्रकार जागृत दृश्य में दृश्यत्व दिखाई देना, जागृत दृश्य में अद्यंत बंत दिखाई देना, जब ये हेतु आपको दिखाई देगा तब क्या निश्चय करोगे आप ये वस्तु मिथ्या है, इसलिए बोलते हैं व्यक्तिमत साधन षष्ठी एक वचन है व्यक्तिमत साधन पक्ष धर्मता उपन्यासेन, पक्ष धर्मता मतलब वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति अथवा जागृतिक वस्तु वो पक्ष हो गया उसमें धर्मता मतलब ये हेतु बैठा हुआ है, उपन्यास है इसके कथन के द्वारा प्रतिज्ञा उपसंहार वचन, इस कथन के द्वारा मतलब ये हो गया आपका उपनय, उपनय करने के बाद उपनय क्या हुआ, जो व्यक्ति मैंने वहाँ पे देखा था उस प्रकार की धुआं यहाँ दिखाई दे रहा है, जो सपनों को हमने मिथ्या कहने के लिए अद्यंत बंद दृश्यत्व बोला था वो हेतु यहाँ जगत में बैठा हुआ है, ये उपनय इसीलिए जगत मिथ्या होना चाहिए निगमन, इसीलिए जगत मिथ्या होना चाहिए, इसीलिए बोलते हैं इसके निगमन बोलते हैं व्यक्तिमत साधनस्य पक्ष धर्मता उपन्यासेन प्रतिज्ञा उपसंहार, जो आपने प्रतिज्ञा की थी, क्या प्रतिज्ञा की थी, विमता मिथ्या अथवा पर्वत बंधिमान, उसको निगमन करना उपसंहार करना, उसको बोलते हैं जो उपसंहार वचनम निगमनम दर्शयति, उपसंहार वचन निगमन उसको दिखाते हैं, तथा इमे जागृत दृश्या भेदा, ठीक इसी प्रकार ये जागृत में दिखाई देना दृश्य वस्तु जो अलग अलग दिखाई पड़ता है ये भी ऐसे ही मिथ्या है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अद्यंत मंत भी बैठा हुआ है, यहाँ पे दृश्यत्व तो बैठा हुआ है, जड़त्व तो बैठा हुआ है, इसलिए यहाँ पे ग्राह्य ग्राहकत्व तो भाव बैठा हुआ है, इसलिए जो है ये मिथ्या होना चाहिए। अब जो है फिर टीका, अनुमानस घटादिशु सत्य ग्राहक ग्राहक प्रत्यक्ष विरोधम आशंक सद गंधर्व नगरम इतिवत तस्य आपातिक सत्य विषयत्वात् मैव मिथ्यात्। आपने क्या बोला, जो आपका अनुमान के साथ प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध होगा, हमको अनुमान के द्वारा आप जगत को मिथ्या सिद्ध करना चाहते हैं और प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा हमको जगत को सत्य दिखाई पड़ता है, तो यहाँ पे तो मित्र विरोध हो रहा है, बोलता है आप यदि आपके प्रतीति मात्र से आप सत्य कहना चाहते हो तभी गंधर्व नगर भी देखता है कि नहीं दिखाई देता, हाँ दिखाई देता है तो सत्य मानो। जिस प्रकार आप जग करके बैठ करके गंधर्व नगर देखते हैं, मतलब आकाश मेघों के द्वारा कुमार संभव देखेंगे कालिदास कैसे कल्पना के गंधर्व नगर, तो इसी प्रकार आप क्योंकि सपना तो सोया हुआ दिखाई देता है, आप ये तो गंधर्व नगर जग करके दिखाई देगा, ये गंधर्व नगर पर आप सत्य मानते हो नहीं मानते, इसी प्रकार जागृत पुष्टि ऐसे कुछ देर के लिए दिखाई दिया, क्योंकि अभी मैं दिखाई दे रहा हूँ वहाँ पे बैठ करके, वहाँ पे सुंदर एक मकान, वहाँ पे एक बाजार, वहाँ पे लोग व्यवहार कर रहे, अचानक एक हवा का झोंका आया पूरा बादल गया तो हमारा गंधर्व नगर गया, इसी प्रकार प्रारब्ध की एक झोंका आएगा आपका ही गंधर्व नगर जिससे जगह जाए नया फिर कहीं तैयार कर ले। यहाँ पे ऐसे ही बोलते हैं अनुमान से ही अनुमान का घटादिशु घटादियु वस्तुओं में घटना सत्य ग्राहक प्रत्यक्ष विरोधम, सत्यत्व को ग्रहण कराने वाला जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसके साथ विरोध हो रहा है अनुमान का, अनुमान से प्रत्यक्ष विरोधम, अनुमान का सत्य को ग्रहण कराने वाला जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उससे विरोध हो रहा है,
ऐसा कुछ शंका करते हैं तो आप जो प्रतीति मात्र से सत्य कह रहे हो, अपने आँख के द्वारा देखा तो आपने आँख के द्वारा जो गंधर्व नगर को जाप करके देखते हो तो सत्य मानते हो कि नहीं मानते हो। इसीलिए यहाँ पे सत गंधर्व नगर की तिबत जिस प्रकार आपको दिखाई दिया था गंधर्व नगर सत्य है तस्या आपातिक सत्य विषय तो आपको प्रातिक सत्य है, उसमें प्रातिभाषिक सत्यत्व है, वहाँ पारमार्थिक सत्यत्व नहीं है। और जागतिक वस्तु में व्यवहारिक सत्यत्व मान भी लेकिन हम वेदांत में कोई बात व्यवहारिक सत्यत्व को मानते हैं परंतु पारमार्थिक सत्यत्व तो हर हालत में नहीं मानते। इसलिए हम बोलते हैं कि आपातिक सत्य विषय प्राकृतिक सत्य का विषय होने के कारण वो पारमार्थिक सत्य वस्तु नहीं है। माई बाप इति आहो तो पारमार्थिक सत्य तीन नंबर टिप्पणी में बोल रहे हैं आपातिक मतलब प्रातिक प्रतीति से दिखाई मतलब बोल रहे हैं। तो यहाँ पे तथापि नीचे आ जाइए फिर पास मृगत इसने कहा था भी सदृश वहाँ पे कौमा कर देना भी तथा एक वो यहाँ पे कौमा होने के बाद आगे देखिए तथापि इतना होने पर भी तथापि अभी तथा इव लक्षिता वो मिथ्या होते हुए भी सत्य जैसे प्रतीति होते लक्षित होते हैं परंतु सत्य के लिए नहीं मूल है ना। जिन लोगों ने अभी तक शास्त्र आदि का अध्ययन करके विचार नहीं किया उन अभिवेकी व्यक्ति के द्वारा न आत्मविद्भेद है ना आत्मदृष्टन सुबह पे सोना है कि चांदी है कि मिलावट है वो सामान्य व्यक्ति जो सुवर्ण संबंधित ज्ञान जिसका नहीं है वो शंका करेगा परंतु सुवर्णविद को शंका नहीं है। ठीक यहाँ पे आत्मविद जब आत्मा की व्यापकता पूर्णता की बोध आपको हो जाता है तब निश्चय रहता है सारा में मैं ही व्यक्ति मैं ही पूर्ण मैं इस प्रकार से छठा पूरा हो जाता है। परंतु आपने जो बोला ना कि आप जो आदि अंत वाला होता है वो मिथ्या होता है आपका ये कथन सही नहीं है। मिथ्या तो वो होता है जिससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। मिथ्या वो होता है जिससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं मतलब फल काल में उपस्थित ना रहे फल काल में उपस्थित ना रहे तो चतुष्ट अविद्या अविद्या वासना समूह और कर्म संस्कार और यार एक हो गया आपका भूत सूक्ष्म अविद्या और वासना के समूह एक पुड़िया है जन्मांतर वासना के संस्कार बैठा हुआ है अविद्या काम और कर्म जो कर्म मतलब कर्म के संस्कार जो गया हुआ है और भूत सूक्ष्म ये आठ पुड़िया के तरह विवेक चूड़ामणि में आएगा देखना कितना सुंदर भगवान पहला चार पुड़िया पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय पंच प्राण अंतकरण चतुष्ट है ये चार हो गए मतलब सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर के अंदर भी जो रहता है सूक्ष्म शरीर होता है वहाँ पे जो है ये लिंग शरीर रूप में बोलेंगे उसको। तो यहाँ पे पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय पंच प्राण ये हो गया हमारा एक विंशोन्मुनिया ये हमारा हो गया लिंग शरीर इसको इसके अंदर जो वस्तु बैठा हुआ है इसके अंदर क्या वस्तु है अविद्या मतलब जन्मांतर अविद्या की प्रचय दृढ़ हो गया वो अंदर और उसके कारण से अनंत जन्म की वासना और फिर उसके साथ उस कर्म किया जो उस कर्म के संस्कार ये और अगला शरीर प्राप्त करने के लिए जो हमको मदद करने वाला है वो भूत सूक्ष्म को स्थूल पंचीकृत पंचमकरण अंतकरण ये लिंग शरीर है ना इसको हम पहले बोलेंगे कि ये लिंग शरीर जब ये भूत सूक्ष्म का तरह परिवेष्टित होते हुए भूत सूक्ष्म का तरह परिवेष्टित होते एक शरीर से दूसरा शरीर में जाता है उस समय हम इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं बाकी लिंग शरीर बोलते हैं मतलब जिसके द्वारा पहचाना जाता है लिंग मतलब लीना अर्थ It's not consisting of any element. But you are feeling it. I know that I don't have the knowledge of my real nature. तो ये आप जानते हैं सब अनुभव में आता है इसी को ही हम अज्ञान कहते हैं नॉट अवेयरनेस दैट अवेयरनेस ऑफ द नॉन अवेयरनेस ऑफ द सेल्फ। मैं यही बोला कि देखिए हमारे पास माया कोई अलग तत्व नहीं है एक ब्रह्म ही आपका ज्ञात होगा तो मुक्ति के लिए हेतु होगा और वही तत्व अज्ञात रहेगा यही अज्ञान यही कारण
वही हमारे लिए बंधन अथवा सृष्टि के हेतु बन जाता है। मतलब विकल्प हम ये करते हैं कि शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य, शब्द प्रयोग है वस्तु शून्य, वस्तु नहीं है वहाँ तो अज्ञान नामक कोई वस्तु आप ढूंढने से नहीं मिलेगा आपको, परंतु अनुभव में आता है इसलिए उसको निषेध नहीं करता। फिर ज्ञान होने के बाद आपको क्या पता लगेगा, अरे व्हाट वंडरफुल ड्रामा इट वाज, ये अज्ञान कहाँ से आया था, ये सूर्य में तो अंधेरा कभी आ ही नहीं सकता, ये कैसे हो गया। इसलिए आप ही उसको लेकर विवाद करने से लाभ नहीं है, क्योंकि अनुभव में आ रहा है कि मैं अपने को नहीं जान पा रहा हूँ, दुख अनुभव कर रहा हूँ, तो अनिरुद्ध शांत करूँ तब ठीक है, इसको प्रतिकार के लिए पहले सोचूँ। अब जब प्रतिकार हो जाएगा तब तुम अपने आप ही निश्चय करोगे कि अरे ये तो कभी था ही नहीं, ये तो कभी था ही नहीं। क्योंकि जैसे मैं बोला कि सूर्य से छाया भी होता है प्रकाश भी होता है, सूर्य से छाया भी होता है प्रकाश भी होता है, सूर्य की तरफ देखेंगे प्रकाश दिखेगा, परंतु पीछा करके रहेंगे आपको छाया दिखेगा, बस ये छाया ही हमारे से अज्ञान के रूप में हम कहते हैं यही। कारण शरीर इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहले आपने स्थूल शरीर बोला, सूक्ष्म शरीर बोला, तो भगवान भास्कर यहाँ कहीं पर बोला है कि मूषा निषिक्त द्रुत ताम्र प्रतिमावत, तैतरी भस्म ऐसा, मतलब जिस प्रकार एक मोल्ड में लिक्विड मटेरियल डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, लिक्विड मटेरियल टेक द फॉर्म ऑफ दैट मोल्ड, इसीलिए हम कारण शरीर बोलते हैं क्योंकि स्थूल शरीर पंच मंत्र पंचकोश के अंदर विद्यमान है, इसीलिए वहाँ पर जाकर शहर हाथ पैर सब कल्पना की जाती है, शरीर के रूप में कल्पना की जाती है, वास्तविक शरीर नहीं है। महाराज रामकृष्ण से इसका और एक एग्जाम्पल दिया, उन्होंने बोला सूर्य से छाया होता है लेकिन जब ठीक 12 बजते हैं तब छाया नहीं है, एक ही जगह पे ऐसे ऐसे ठीक ज्ञान जब होगा तब ये वाला माया संपूर्ण चला जाएगा, अथवा छाया होगा तो ठीक आपके नीचे होगा, इट विल बी अंडर यू, अभी आप उसके तरह कंट्रोल हो जाए वो आपका अधीन हो जाएगा माया, क्योंकि प्रारंभ जीवन जीवन मुक्त अवस्था में प्रारंभ रहता है थोड़ा वो छाया तब आपका अधीन होकर के ठीक है। आप यहाँ पे देखिए ये हो गया, अब ये आदि अंत वाला जो आपने बोला, जो वस्तु आदि अंत वाला होता है मिथ्या होता है, आपका ये कथन सही नहीं है। तो क्या कथन चाहिए आपको, बोलते हैं कि जो अपने प्रयोजन को नहीं मिटा पाता वो मिथ्या, जो अब मतलब क्या हो गया, सापनिक वस्तु हमने देखा तो परंतु जागृत में देख करके उसको प्रयोजन नहीं मिटाऊंगा सो जब उपलब्ध ही नहीं होता, ऐसे ही हमारे जागृत में भी है, हमने संसार में कई वस्तु अपने उपयोग में आएगा समझ करके इकट्ठा किया जीवन, परंतु आपको अधिकतर देखेंगे 80-90% प्रयोजन में आपको तात्कालिक प्रयोजन मिटाता है, तात्कालिक थोड़ा बहुत थोड़ी देर के लिए मिटाता है, परंतु वो है अब जिसके लिए आप हमेशा के लिए, जैसे हमने खाना खाया तो तात्कालिक थोड़ा तो भूख तृप्ति में होती है परंतु फिर बाद में भूख लग जाती है, यदि उससे आपको मतलब जिस आनंद, क्योंकि आपने कभी भी कोई वस्तु कोई व्यक्ति वो वस्तु अपने लिए नहीं लाता कि मेरे पास एक मिनट में नाश हो जाएगा, एक मात्र खाद्य द्रव्य को छोड़कर, लेकिन वो जानते हैं कि खाने से नाश हो जाएगा, बाकी कोई भी वस्तु व्यक्ति लाते हैं अपनाते हैं तो उसके अंदर यही भावना रहता है कि हमारे साथ नहीं तो हमारा साथ दे, परंतु प्रयोजन में साथ नहीं देता, ये सब प्रयोजनता सिद्ध नहीं होता वस्तु का, जागृत का वस्तु का जागृत भी सब प्रयोजनता सिद्ध नहीं होता, स्वप्न में तो कहना ही क्या, जिस प्रकार स्वाप्निक वस्तु जागृत में स्व प्रयोजनता सिद्ध नहीं कर पाता, स्वाप्निक वस्तु स्वप्न में कम से कम आपसे विचय नहीं करता, परंतु जागृत वस्तु में जागृत में भी विचय कर देता है, जागृत में भी आपका हमारा साथ नहीं मिलता, इसको मन में रखते हुए आगे बड़ा बड़ा सुंदर प्रश्न उठाएंगे। और याद है आपको उपाधि व्यापत्य असिद्धि, व्याप्ति में असिद्धि है, मैं बोला तो असिद्धि होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, स्वरूपासिद्धि आश्रय असिद्धि, मतलब जो अपने व्याप्ति देखा है वो सही नहीं है, अपने क्या व्याप्ति देखा है, जो आदि अंत वाला होता है वो मिथ्या होता है, आपका ये व्याप्ति सही नहीं है, जो प्रयोजन नहीं मिटा पाता वो मिथ्या होता है, वो हमारे पक्ष को खंडन करने के लिए वो जो है आपका हेतु दे रहा है, अपना हेतु दे रहा है, अब ये तो हमारे पक्ष में ही आएगा, हम तो बोलते हैं ये तो सही है कि जो प्रयोजन नहीं मिटा पाता, जागृत का कोई वस्तु आपको पुरुषार्थ को प्रयोजन मिटा पाता है नहीं मिटा पाता है, इसलिए मिलता है तो उसी को स्पष्ट कर, कभी मतलब जिस शंका को हम मतलब मिटाना चाहते हैं तो वो दूसरे वादी के रूप में उठाते हैं, पूर्व पक्षी के रूप में उठाएंगे फिर उसका खंडन कर देंगे। यहाँ पे देखिए स्वप्न से मिथ्यात्व अद्यंत वत्वा न भवति किंतु फल पर्यंत अभावात्
जागृत फल परिजन तत्व न मिथ्यात्म आशंका आप दोनों में क्या भिन्नता है। ये मन तो ये सभी के मन में तो धीरो बैठा ये चीज़ को सात्विक वस्तु हमने काल किसी से मिला था वो आके बोलते हैं नहीं मिलता। सपने में मेरे को किसी ने कुछ दिया चाहे जूता दिया चाहे माला दिया परंतु उठ करके मेरे को नहीं मिलता है परंतु जागृत को वस्तु तो हमसे मिलता है और उससे मैं खुशी सुखी दुखी भी होता हूँ सात्विक वस्तु से भी सुखी दुखी होता है। इसीलिए जागृत स्वप्न जैसे मिथ्या नहीं ये बोलते हैं देखो स्वप्न से मिथ्यात्म स्वप्न में मिथ्यात्म बैठा क्यों अद्यंत वत्वा फिर आदि अंत वाला होने के कारण इसके लिए नहीं होता इसके लिए हम नहीं मानते न भवति आदि अंत वाला होगा इसीलिए मिथ्या होगा ये बात नहीं है। किंतु क्या होता है फल पर्यंत तो अभाव वो फल काल में नहीं रहता मतलब मैं आपने मेरे को कुछ पैसा दिया स्वप्न में मैं बाजार से सामान लेने गया सोचा तो मैं स्वप्न में देखा था जेब में रखा जब दुकान को पेमेंट करने गया तो उसको नहीं मिल रहा तो क्या हो जाएगा कि फल पर्यंत अभाव मतलब जिस समय उसको उपयोग में ला ध्यान रखना फल पर्यंत मतलब जिस समय उसको उपयोग में लाना है उस समय वो उपयोग में नहीं उस समय आप उसको प्रयोग नहीं कर सकते इसलिए वो मिलता है। स्वप्न में कुछ भी हमने देखा हम बस जागृत में आकर कुछ नहीं मिलता है इसलिए उसका जो है व्यवहार हम जागृत में करने को सोचा था तो वहाँ पे इसी को लेकर के ज्यादा राजा धनु बोले थे आज मैं यहाँ बैठा हुआ सिंहासन में और रात को सपना देखा कि एक महीना से कुछ नहीं खाया मेरा बच्चा सब भूखा मरे कौन सा सत्य है। ये बोलता है कि दोनों ही मिथ्या है ये सपनों को मिथ्या निश्चय करते हैं। यहाँ भी वैसे ही है सपनों को पुत्रों को मैंने नहीं पढ़ाया हमारे मन में दुख नहीं होता हमारे पुत्रों को पढ़ाया वो तो ठीक है परंतु काम में नहीं आया तभी दुखी हो जाओ। इसलिए यहाँ पे ये स्वप्न से मिथ्यात्म आद्यंतवत्वात् न भवति किंतु फल पर्यंत तो अभावात् फल काल तक उसकी स्थिति नहीं होती इसलिए जो मिथ्या है। जागृत से फल पर्यंत मन जागृत क्या है फल पर्यंत खाता पीता तृप्त होता है क्या स्वप्न में खाया से तुम तृप्त नहीं होते स्वप्नों के खाने पीने से स्वप्न काल में तृप्त रहोगे। इस प्रकार जागृत में खाया यहाँ बोलेंगे भगवान जागृत में खा पी के खूब अच्छी तरह से खा पी के सोया अब जो ठीक से पचा नहीं अब सपना देखने लग गया कैसा सपना देखने लग गया भाई 7 दिन से भूखा हूँ अन्नों के लिए भूखा तो जागृत में खाया हुआ वस्तु आपको सब प्रयोजन होता है देखो सपनों में उसका प्रयोजन नहीं। इसी प्रकार स्वप्न में खाया हुआ वस्तु अपने थोड़ा खूब खा के सोए जागृत में भूख लग जाती तो दोनों में एक स्थिति है। यहाँ पे बोलते हैं वो बातें बोलते हैं इसको सिद्ध करने के लिए उस बातें के मन को समझ जागृत की वस्तु हमें लगता है कि हमारे उपयोग में आता है इसलिए बोलता है जागृत फल पर्यंत न मिथ्यात्म जागृत वस्तु फल काल तक रहता है इति इसलिए वो मिथ्या नहीं है ये शंका उठाने पर उसका उत्तर में कहते हैं श्लोक को पढ़ते हैं तो फिर छोड़ते हैं सप्रयोजनतातेषां स्वप्ने विप्रतिपद्यते तस्मादद्यन्तवत्तेन मिथ्यैव खलु ते स्मृता सर्वप्रयोजनतातेषां स्वप्ने विप्रतिपद्यते तस्मादाद्यन्तवत्त्वेन मिथ्यैव खलु ते स्मृताः। बोलते हैं आप बोलते हैं जागृत वस्तु के द्वारा प्रयोजन सिद्ध होता है और परंतु जागृत की वस्तु सब प्रयोजनिता तेषाम जागृत भावानाम प्रयोजनेन सहित इति सब प्रयोजन और सब प्रयोजन उसका भाव सब प्रयोजनता है ना प्रयोजनेन सह मतलब आपका प्रयोजन जो है उस प्रयोजन के साथ जो वस्तु रहता है वो सब प्रयोजन मतलब प्रयोजन को मिटाता है और उसके भाव को लेकर के तस्य भगवतरुता है सब प्रयोजनता तेषाम जागृत भावानाम ठीक है। आपका जीवन में 3 अवस्था में अंदर से गुजरते हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति। जागृत में देखा हुआ कोई वस्तु जो आपका स्वप्न में काम आता है कि नहीं आता जागृत का हाँ यही है जागृत के विकार को लेकर संस्कार को लेकर जो स्वप्न को देखते हैं परंतु जागृत वस्तु कुछ काम नहीं उन जागृत वस्तुओं के जो प्रयोजन मिटाने के लिए स्वभाव वो स्वप्न अवस्था में नहीं मिटा सकता और ठीक इसी प्रकार जागृत स्वप्न में जो देखा वो सुषुप्ति में भी नहीं रहता इसलिए ये व्यभिचार करने वाले हैं एक दूसरे को साथ नहीं देता। इस प्रकार सापनिक वस्तु भी जागृत काल में काम नहीं आता
तो सापनिक वस्तु जागृत काल में काम नहीं आता, इसलिए तुम स्वप्न को मिथ्या मानने के लिए तैयार। तो जागृत के वस्तु जो स्वप्न में काम नहीं आता तो जागृत को मिथ्या मानने के लिए क्या मुश्किल। तो अब दूसरी बात आगे और आएगा, देखना एक एक करके निभाएंगे। तो सब प्रयोजन तेषाम स्वप्ने विप्रतिपद्यते तस्मा, इसलिए वहाँ भी वो जो सब प्रयोजनता दिखाई पड़ते ना, वो भी आदि अंत वाला होने के कारण, वो भी आदि अंत मतलब जागृत काल में पूजक में आता, स्वप्न काल में नहीं, वहाँ पर अंत हो जाता है उसका। इसलिए अद्यंत वर्ते ना मिथ्या एव कर निश्चित ही वो सब मिथ्या ते ते मतलब वो जागृत भावा ते स्मिता जागृत में दिखाई दिया जो वस्तु वो भी मिथ्या ही है, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, आज यही रखते हैं। कल परसों दो दिन अवकाश होगा, कल पूर्णिमा है, परसों प्रतिपदा है, कल परसों दो दिन अवकाश होगा, 16-17, 18-17। तो आज हमको लास्ट वाला पढ़ना है, पीछे का लास्ट वहाँ पे क्या है, पावनीयो भवय विनदो सर्वभा।